तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रोज पावर प्रोग्रामिंग। और वीवीएच माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम एक छोटे से लूप के एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से प्रोजेक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक नहीं, दो प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला अमित जी, क्या हमने आपके साथ सीट कंबाइन करने का, सीट के अंदर जो डेटा है उसको कंबाइन करने का प्रोजेक्ट किया था? नहीं। चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ। छोटे डेटा में क्या होता है कि आपको इफेक्ट जल्दी समझ में आता है। और मेरे पास ये डेटा कई सारे सीट्स में है और मुझे इसको एक सीट में कंबाइन करना है, कंसोलिडेट करना है, कंपाइल करना है, कई सारे नाम है उसके। ऑफिस में हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, उसी चीज को यहां हम ऑटोमेटेड करेंगे कि भाई ऑटोमेटेड कैसे होगा, और उसी में रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, साथ में उससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। तो मैंने एक छोटा सा डेटा फटाफट में तैयार कर लिया बात करते करते। अब मुझे इस डेटा को यहां अगले शीट पे, डेटा शीट पे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है। अब इसमें मेरे पास शीट कितने हैं? मेरे पास शीट है टोटल 5। तो कैसे करेंगे? अगर मैनुअल करना होगा तो हम करेंगे कि इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कॉपी करेंगे और डेटा पे पेस्ट, यहां पे जाके पेस्ट कर देंगे। फिर वापस जाएंगे दूसरे शीट पे, फिर वापस कंट्रोल ए करेंगे, कॉपी करेंगे, दूसरे शीट पे सबसे लास्ट में जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। और इसी प्रोसीजर को हर शीट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग का कलर रहने देता हूं। विजुअल बेसिक पे जाता हूं और यहां पे इंसर्ट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट और कॉपी पी के नाम से मैं यहां पे बनाता हूं। और यहां पे क्या करना है कि सीट 1 पे जाना है। तो यहां पे शीट्स, बहुत सारे शीट्स हैं, तो 1 2 3 से हम चलेंगे। 1 डॉट सेलेक्ट, सीट 1 पे चला जाएगा कर्सर हमारा। फिर रेंज A1 पे कंट्रोल ए करना है। तो रेंज कंट्रोल ए का क्या क्या कोड है अमित जी? हाँ, याद कंट्रोल नहीं। कंट्रोल ए का क्या कोड है? नहीं याद आ रहा। सब भूल गए हैं। करेंट रीजन था ना, होम में आपको पहली क्लास में समझाया था, फाइल एंड सिलेक्ट गो टू स्पेशल एंड करेंट रीजन। हमने इसको कॉपी किया, फिर हम डेटा शीट पे आएंगे, शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट। अब मुझे एक के नीचे पेस्ट करना है तो मुझे इसके नीचे आना होगा। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ए पेंसिल जा रहे, जो भी एक रो से ऊपर की तरफ, फिर ऑप्शन से नीचे आएंगे, रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अरे 4 लाइन की कोड मैंने लिखी है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं नहीं है? अब यहां ऊपर हम यहां पे आते हैं। अब इसी ये तो सिर्फ एक सीट के लिए काम करेगा, मुझे दूसरे सीट के लिए करना है तो सब चीज सेम रहेगी, बस इसमें सीट 1 जो है वो 2 हो जाएगा, ताकि वो दूसरे पोजीशन की सीट को जाके कॉपी करे, समझे? लेकिन मुझे इसको डायनेमिक करना है, इसलिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे फोर आई इक्वल टू, चले 1 2 5, नेक्स्ट 5। ठीक है, यहां जो हमने 1 लिखा है इसको आई पे कर देंगे, क्योंकि
वन टू थ्री जो काउंटिंग है वो आई के ऊपर स्टोर होगा, उसको हम यहां पे यूज। क्लियर अमित जी? हाँ जी, 1 to 5 ये शीट है, शीट 1 to 5। 1 to 5 चलेगा। मैं इसको डायनेमिक करता हूं फिलहाल। तो यहां पे हम इस माइक्रो को चलिए रन करते हैं। डेवलपर में माइक्रोज सिलेक्ट किया, रन, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम कि हेडिंग कॉपी पेस्ट कर रहा है, इस हेडिंग को मुझे हटाना है। तो जैसे हम किसी डेटा को उठाते हैं, यहां से मान लो उठाया, एक तरीका है कि मैं हेडिंग को कॉपी ही ना करूं, या दूसरा तरीका है वो सिंपल है, जब कॉपी करते हैं, जब पेस्ट करते हैं डेटा में, तो हमारा हेडिंग ही कॉपी पेस्ट होता है। पहला जो एक्टिव सेल होता है वो हमारा हेडिंग होता है, तो क्यों ना इसको डिलीट कर दिया जाए। हसन शेख जी प्लीज म्यूट रखिए, बैकग्राउंड से सो रहा है। तो पूरा सीट को रो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया जाए, क्या अमित जी? हाँ जी, तो मतलब कि जब हम यहां से कॉपी करते हैं और डेटा को पेस्ट करते हैं, तो जिस सी सेल में हमारा हेडिंग होता है वही सिलेक्टिवेट होता है ना। तो मैं यहां कोड लिख सकता हूं, पेस्ट करने के बाद, हर बार पेस्ट करने के बाद कि सेल यहां पे एक्टिव। हसन शेख जी प्लीज रिक्वेस्ट है, म्यूट रखिए, जब पूछना होगा तो एडमिट कीजिएगा। डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही पेस्ट होगा वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग नहीं आ रहा है अमित जी, हेडिंग नहीं आ रहा ना। नहीं, दूसरा कि 5 ही सीट होगा, रेट में 15 हुआ तो यहां पे मैं शीट्स डॉट काउंट -1 कर दूंगा। अब सीट डॉट काउंट क्या है, जितने भी सीट होगा उस सीट का काउंट बताएगा। तो हमने -1 क्यों किया, क्योंकि लास्ट वाले सीट पे डेटा को पेस्ट करना है, इसलिए जितना भी सीट उससे कम चले, जैसे 1 से 6 है तो 1 से 5 चलेगा, लास्ट वाले सीट को छोड़ देगा, क्योंकि इस पे तो डेटा पेस्ट हो रही है ना, अब मुझे इसकी डेटा इसी पे पेस्ट थोड़ी करवानी है। ठीक है अमित जी? बट इसमें एक वैलिडेशन आ गई, क्या कि आपको हमेशा सीट डेटा शीट जिसपे डेटा पेस्ट होनी है, डेटा शीट को सबसे लास्ट में रखना हो। हमने गलती से अगर स्टार्टिंग में रख दिया या फिर बीच में रख दिया, तो उसी के डेटा उसी में पेस्ट हो जाएगा और लास्ट में सीट का डेटा पेस्ट नहीं होगा। तो मैं इस वैलिडेशन को दूर करना चाहता हूं कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं चाहिए, सीट कहीं भी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और सब पे डेटा वर्क करना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम -1 हटा देते हैं और यहां पे एक कंडीशन देते हैं कि इफ एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा दैन ओके। तो जिस सीट को एक्टिव करेगा देखेगा, नहीं नॉट इक्वल टू डेटा, माफ कीजिएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू, पहले चेक जाएगा सीट पे, चेक करेगा कि डेटा तो नहीं है, डेटा नहीं है तो इसको कॉपी करेगा, डेटा है तो स्किप करके अगली सीट पे चलाएगा। ठीक है सर अमित जी? कोई डाउट तो इसमें नहीं। तो आपके पास नोट पैड है? हाँ है। नोट पैड में एक होमवर्क लिखिए,
अब उसमें क्या है कि डेटा शीट में हमारा डेटा कॉपी हो रहा है, लास्ट में हमारे पास यहां पे मैं शीट नेम भी देना चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसा हो कि जब मैक्रो रन करूं, यहां से मैंने मैक्रो को रन किया, तो रन करने के बाद क्या हो गया, डेटा कॉपी तो इसको नहीं हुआ, सॉरी एक्टिव सीट नहीं होगा, यहाँ पे गलती लिख दिया मैंने, आप लोग भी नहीं देखे, ठीक है। तो इसमें अब प्रॉब्लम आ गई कि कौन से डेटा किस सीट से आया है, इसका थोड़ा सा दिक्कत हो गई ना। तो यहां पे सीट का नेम आना चाहिए कि हाँ ये सीट वन से आया है, और ये सीट टू से आया है, समझे। ये सीट नेम ऐड करना, इसमें कुछ कोड ऐड करने हैं, मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा, ठीक है जी। हाँ जी, समझ आ गया। हाँ, तो क्या करना है, तो हम बोल रहे ये समझ में आपको नहीं, तो क्या एग्जैक्ट आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए जो डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है ना, जैसे ये डेटा यहाँ से कॉपी करके इसने पेस्ट किया यहाँ पे, तो इसका सीट नेम भी डाल दिया, जैसे यहाँ सीट वन डाला हुआ ना, सीट वन डाला, समझे, बस कोई चीज। बाकी पूरा डेटा तो कॉपी पेस्ट कर ही रहा है, कॉपी पेस्ट करवाने के बाद आपको इसका सीट नेम डालना है। एक लाइन और, एक दो लाइन और जो क्या वो जो आपने प्रोग्राम सेव किया है उसमें एक लाइन क्या होगा कि जैसे यहाँ से कॉपी करेगा ना, मैंने यहाँ से इसने उठाया कॉपी किया डेटा पे आया नीचे आके इसने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसने शीट नेम अपने पेस्ट करने के बाद इसने रो को डिलीट किया, अब ये सीट वन से आया है, इस सीट का जो नेम है ये नेम यहाँ लाके इस सबो पे पेस्ट कर, तो बाकी सब तो मैंने करा लिया है, बस आपको सीट को पेस्ट करने वाला ऑप्शंस इस कोड में ऐड करने हैं, ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा आपसे। हाँ, हो जाएगा कुछ। अब चलिए अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक और इसी तरह से लूप से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हमारे साथ करते हैं। अब ये भेज देना उसमें, अभी मैं फाइल आपको भेज देता हूँ, तो बना के भेज दीजिएगा, ठीक है। दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए जो कि लूप से ही रिलेटेड है, असल में समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? अब मेरे पास एक डेटा है, तो डेटा की तरफ चलते हैं, जो कि है इस तरह से टेबल में डला हुआ, एक महीने दो महीने की डेटा है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इस टेबल फॉर्मेट में डला हुआ। बट टेबल फॉर्मेट में डलने के कारण मैं मंथली वीकली ऐसे चीजों पे पिवट नहीं लगा पाता, मुझे इसको डेटा फॉर्मेट में रखना है। कैसे, इसी के नीचे करके दिखाता हूं, ठीक है। मुझे यहां पे चाहिए नेम और मुझे यहां पे नेम चाहिए और यहां पे चाहिए मुझे डेट और यहां पे चाहिए सेल्स। तो मैं एक एक करके कॉपी करना चाहता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, कॉपी करूं, यहां पे पेस्ट करूं, फिर वापस मैं डेट को सिलेक्ट करूं और डेट को पेस्ट करूं, फिर मैं डेटा को सिलेक्ट करूं, कॉपी करूं और यहां पे पेस्ट करूं,
समझ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। हेलो, मैं कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ मैं क्या रही। करता हूँ कि मुझे A2 से लेकर A12 तक कॉपी करना है, तो नहीं बैकग्राउंड इसका शोर आ रहा है बैकग्राउंड जी, आप ही के बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? सर कुछ बोल रहे हैं? A2 से A12 क्या? और पेस्ट कहाँ करना है? तो यहाँ एक्सेलस अप डॉट वन कॉमा जीरो डॉट पेस्ट स्पेशल, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब मुझे इसकी डेटा को पेस्ट करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट, और इसमें मैं 0,1 डॉट सिलेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अब इसने यहां से उठाया और यहां पेस्ट कर दिया ना, ठीक है, तो मैं नीचे से ऊपर गया और एक कर्सर यहां आ गया ताकि मैं पूरा डेट को सिलेक्ट कर सकूं, ठीक है। तो मतलब कि मैं यहां से रेंज एक्टिव सेल, क्योंकि कर्सर यहीं पर है ना, क्योंकि ऊपर लाइन तो कर्सर यहीं छोड़ दिया ये जो था, एक्टिव सेल से लेके एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, मैं यहां से लेके ऊपर तक की सिलेक्शन, यहां से ऊपर तक जा, देखिए ऊपर तक जाऊंगा तो फिर हेडिंग भी आ जाता है, तो मुझे एक नीचे ही रहना है ना, मतलब यहां से ऊपर जाके एक नीचे आना है, नीचे आने का काम तो आपका ऑफसेट करेगा, तो ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सेल वन रो एंड टू कॉलम डॉट वैल्यू, समझे? मुझे इसकी इसकी चाहिए ना, टोटल ये चाहिए नहीं, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू डेट को यहां पूरे में डाल देगा।
मैं इसको कॉपी करके यहां इस पे पेस्ट करता हूं डेटा को, तो ए बी बी टू से लेके 12 तक, तो बी टू से नहीं करूंगा मैं, यहां रेंज लिखूंगा रेंज सेल्स टू रो एंड टू कॉलम से सेल्स 12 रो एंड टू कॉलम डॉट कॉपी, और पेस्ट कहां करना है तो रेंज सी कॉलम में सी 65,000 डॉट एंड एक्सेलेंस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। तीनों पेस्ट हो गया, ये पहला कॉलम पेस्ट हुआ, ये दूसरा कॉलम डेटा वैल्यू दिया और तीसरा कॉलम यहां पेस्ट हो गया, लेकिन ये सिर्फ एक बार चल रहा है, इसको लूप में डालना है कि फोर आई इक्वल टू चले टू 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 से, क्यों, क्योंकि हमारा डेट दूसरे कॉलम से है और कहां तक चले तो 31 तक चले, और यहां पे नेक्स्ट आई। अब ऑटोमेट किसको करना है तो ऑटोमेट ए इस सब सेम रहेगा, यहां यहां पे टू के जगह पे आई हो जाएगा, और यहां भी टू के जगह पे आई, और यहां भी टू के जगह पे आई हो जाएगा, ताकि कॉलम हर बार चेंज होता रहे। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है अमित जी, कोई डाउट? तो वो क्या आ गया डेट, 1 दिसंबर आया, फिर उसके बाद वो 2 दिसंबर आ गया, सेकंड दिसंबर आ गया ना, तो डेट फॉर्मेट चेंज हो गया थोड़ा, डेट फॉर्मेट चेंज हो गया, मैं इसका नॉर्मली फॉर्मेट चेंज कर दिया था, बाकी ओरिजिनल फॉर्मेट था। ठीक है, फॉर्मेट तो आप अपने से खुद से भी चेंज कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं अब दोनों दोनों फाइल में आपको भेज रहा हूं, दोनों फाइल को आप एनालाइज करो, कोशिश करो, अगर नहीं होता है फिर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो होमवर्क दिया है उसको करने की कोशिश करो। पठारी है ना आपका? ईमेल आईडी क्या है? अमित अमित है ना, से का ईमेल आईडी था। Okay, thank you.